अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आपका जारे की किचन में। चलिए दोस्तों, आज बनाती हूँ झींगा और झींगा। जी हाँ, आप लोग चौके तो जरूर होंगे कि झींगा और झींगा ये क्या है, तो मैं बताती हूँ। झींगा है आपका चिंगड़ी मछली, जी हाँ इसको बोलते हैं झींगा, उड़ीसा का भाषा है इधर का। और जो तुरई होती है वो भी उड़ीसा का भाषा, लेकिन उसको बोलते हैं झारखंड में क्या, झींगा। तो इसीलिए मैं बोली आपको झींगा और झींगा, और बाकी चीज तो आप देख ही लेंगे जब मैं वीडियो को मैं बनाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ। सबसे पहले डालती हूँ ऑयल को, ऑयल हमें डालना है 2 चम्मच से भी ज्यादा, ठीक है। और ये थोड़ा ग्रेवी रहेगा उस टाइप का बनाऊंगी। तो तेल को अच्छी तरह से हमें होने देना है गरम। अब स्टेप बाय स्टेप देखें झींगा और झींगा की रेसिपी, तो या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं, ये झींगा और तुरई मिक्स करके मैं बना रही हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि झींगा और झींगा क्या है, तो यहाँ पर मैं तेल डाल ली हूँ, 2 चम्मच से ज़्यादा ही डाली, अगर 2.5-3 चम्मच होगा ये छोटे चम्मच से। और तेल को अच्छी तरह से हमें गरम होने देना है, और जब तक तेल गरम होता है यहाँ मैं प्याज कट कर ली हूँ और झींगे को भी अच्छी तरह से साफ करके धो ली हूँ, ठीक है। तो यहाँ तेल को गरम होने देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए तेल बिल्कुल गरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज के प्याज जो कि मैं पहले से ही कट करके रखी थी। यहाँ पर देखिए प्याज हो गई हल्का सॉफ्ट बादामी कलर, सॉफ्ट तो नहीं हुई है, नमक डालने से सॉफ्ट होती है ऐसे तो नहीं हुई है। लेकिन अब हम इसमें डालेंगे, देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 छोटा चम्मच नाप के डाल लीजिएगा, मुझे तो आदत हो गया इसीलिए मैं इस तरह से डालती हूँ, ठीक है। जैसे ही प्याज और अदरक लहसुन महक आने लगेगा खुशबू, हम इसमें झींगे को ऐड कर देंगे जो कि अच्छी तरह धो के मैं रखी हूँ। इसको हमें 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूनूंगी हाई फ्लेम पे, और इसमें अभी मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, बाकी जो मसाले हैं सब मैं बाद में भुजाने के बाद डालूंगी। झींगे को अच्छी तरह से उसका स्मेल जो रहता है वो थोड़ा ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मैं एक काम इसमें करती हूँ, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूँ, जो बिसाइनपन रहता है ना वो हट जाएगा भुजाते भुजाते, ठीक है। आप लोग भी ये टिप जरूर याद रखिएगा, इस तरह से भूजिएगा। 2 से 3 मिनट हुआ है इसको भूंज के, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मसाले को भी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऐड करती हूँ मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच डालिएगा या तीखे से डालिए 2 चम्मच। मैं अंदाजे से डाली हूँ, अपने तीखे से हिसाब से डाल लें। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन मसाला। हल्दी तो डाल चुकी हूँ, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्ची का पाउडर भी डाल चुकी हूँ, धनिया का पाउडर ऐड कर देती हूँ। यहाँ है धनिया का पाउडर, वो मैं ऐड कर दी हूँ। अच्छी तरह से हमें भूनना है, चूल्हे का फ्लेम को हाई रखूंगी और उसके बाद मैं भूनूंगी। तो चलिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो है नमक, जी हाँ। कभी भी आप कुछ सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी, अगर नमक नहीं है तो टेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ मैं क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल ले रही हूँ, ये क्वांटिटी है झींगे की 1/2 केजी झींगा है, और वो झींगे भी 1/2 केजी है जिसको तुरई बोलते हैं, ठीक है। अच्छी तरह हाई फ्लेम पे मुझे 2 से 3 मिनट आग भूंजूंगी ताकि मसाले हैं जो वो अच्छी तरह भुंजाए थे। इसमें हमें डालना है
टमाटर भी। तो चलिए छोटे छोटे टमाटर जो मैं लाई हूँ मार्केट से खरीद के उसको मैं ऐड करती हूँ, और कितना क्वांटिटी में डालना है वो मैं बताऊंगी आपको। इसी में मैं ऐड कर देती हूँ टमाटर, छोटे छोटे 3 टमाटर ये देखिए, तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। इसको बीच बीच में चलाते हुए हमें भूंज लेना है जब तक हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह भुंजा ना जाए। तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप देखें, आप बिल्कुल याद करके रखें मैं क्या क्या कितनी क्वांटिटी में डाली हूँ कौन से मसाले, तो आपको बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। और मेरी बनाई रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह भुंजा गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे झींगे को, जी हाँ तुरई को। इसी में ऐड कर देती हूँ झींगे को, अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा उसके बाद आप ऐड करिए। झींगा दिखने में ऐसा दिख रहा है लेकिन जब पकेगा ना तो बहुत कम हो जाता है, इसका पानी बिल्कुल सूख जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट हमें भूनना है, उसके बाद चूल्हे को सिम कर दूंगी ताकि तुरई अपना पानी छोड़े उसी में सॉफ्ट हो जाए। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसमें पानी 1-2 कप डालूंगी, लेकिन फिलहाल वो सब्जी के ऊपर भी रहता है ना कि पानी कितना छोड़ रहा है उस हिसाब से भी रहता है। या 1 से 2 मिनट हमें तुरई को भी भूनना, या फिर इस तरह से करेंगे इसको लगा देंगे ढक्कन ठीक है, और चूल्हे को कर देंगे सिम, और यहाँ धीरे धीरे करके भून सकते हैं या फिर 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे भूंजे, वो आपकी मर्जी है। काम है तो बिल्कुल सिम कर दीजिए, अपना बाकी काम कर ले, और अगर टाइम है तो खड़ा होके 1-2 मिनट भून ले ठीक है। चलिए चलिए फिर आती हूँ 1-2 मिनट भूनने के बाद। हमारा गला है कि नहीं, तो यहाँ मसाला से देखिए कितनी अच्छी तरह से कलर आया है, और तुरई भी सॉफ्ट होने में सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ढक्कन फटा के अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा सालन का कर रहा है। यहाँ पर ही देखिए थोड़ा सा लगेगा टाइम और तुरई सॉफ्ट होने में, और झींगे भी। वापस से ढक्कन को ढक देती हूँ और चूल्हे का फ्लेम को लो रखिएगा ताकि आराम से दोनों सब्जियाँ अच्छी तरह से, बोले से एक सब्जी है और एक तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए झींगा और झींगा बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि झींगा और तुरई बोल सकते हैं इसको, या कॉर्नर तुरई बोल सकते हैं इसको, बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए चूल्हे को करती हूँ बंद। तो दोस्तों अगर मेरी बनाई ये रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाज़े, मिलते फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में ज़रूर याद रखें।